लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद अब सबकी निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के पद पर हैं। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वे स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड लोकसभा में स्पीकर का पद मांग सकती है। इस पर शुक्रवार को जदयू ने साफ कर दिया था कि तेलुगु देशम पार्टी और जदयू एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। स्पीकर पद के लिए भाजपा जिसे भी नामित करेगी दोनों पार्टी उसका समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। पिछले दो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था जिस वजह से लोकसभा में स्पीकर पद पर भाजपा का दबदबा था। 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 234 सदस्यों के साथ सशक्त होकर सदन में नजर आएगा। विपक्षी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि इस बार सदन में भाजपा की मनमर्जी नहीं चलेगी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 17 जून 2019 से 5 जून 2024 तक था। इस दौरान संसद में कई प्रदर्शन हुए, कई बार ऐसे मौके आए जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया। दिसंबर 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।